नमस्कार बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर में चंदा मामा कविता पढ़ा था। सब लोग उसको ठीक से रीडिंग करेंगे, कठिन शब्दों को लिखकर अभ्यास करेंगे और वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चूहिया का विवाह। ठीक है, तो ये कहानी एक ऐसे चूहिया की है जो ऋषि के हथेली में, ऋषि जब आचमन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, तब चूहिया ऋषि के हथेली में गिर जाती है। उस चूहिया को ऋषि अपने कुटिया में लेकर आते हैं और एक लड़की बनाकर उसे अपने कुटिया में रखते हैं। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तब ऋषि के सामने उसके ब्याह की समस्या आती है। ऋषि बहुत सारे लड़के उसके लिए ढूंढते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, बादल, हवा, पर कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं आता है, कोई भी पात्र वह पसंद नहीं करती है। अंत में ऋषि उसकी ब्याह एक चूहे से कर देते हैं, क्योंकि चूहा ही उसे पसंद आता है। तो ये कहानी हम लोगों ने समझ लिया कि कहानी क्या है। अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ, सभी लोग रीड करेंगे चैप्टर को अच्छे से और सुनकर समझेंगे। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, सभी लोग सुना। गंगा नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। एक दिन ऋषि नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में एक चूहिया आ गिरी। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था, उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर पड़ी। ऋषि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर गंगा जल से उसे नहलाया। चूहिया की सांस अभी चल रही थी, ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया। वे उसे अपने आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी को कन्या सौंपते हुए ऋषि ने कहा, इसे अपनी पुत्री की तरह पालन करना है। ऋषि की हथेली पर गिरी थी, इसीलिए इसका नाम अंजलि रखा गया। ऋषि को कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए ऋषि की पत्नी ने अंजलि को बड़े प्यार से पाला। 12 साल तक वह उसके आश्रम में पलती रही। जब अंजलि शादी के योग्य हुई तो ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा, स्वामी, हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा वर देकर इसकी शादी कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मैंने अंजलि के लिए अच्छा वर देख लिया है, यदि वो उसे पसंद हो तो उसके साथ इसकी शादी कर देंगे। ऋषि की पत्नी ने पूछा, आखिर वह वर कौन है? ऋषि ने कहा, वह वर सूरज है। अंजलि ने सारी बातें सुन ली, उसने कहा, नहीं पिताजी। तो आज हम कहानी यही तक पढ़ेंगे, इसके बाद वाली कहानी हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तब तक ले तुम सबको नमः शिवाय। चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करोगे, ठीक है।